हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। तो यहाँ हमने दो टमाटर लिए, तीन आलू, तीन प्याज एंड चार पांच मिर्ची ले ले। देन हमने इनको कट कर लिया। फिर हम दो गिलास चावल लेंगे। फिर हम इनको धुल लेंगे। देखो हमने ये धुल लिए हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं। ये हमने ऑयल ले लिया, इसको गर्म होने देंगे। देन हमने तेज़पत्ता लिया, दो जीरा डाल दिया और यहाँ हमने काली मिर्च ले ली, हमने मिर्ची डाल दी। हम इसको थोड़ा पकने देंगे। तो हमने फिर प्याज ऐड कर दिया। हम इनको पकने देंगे गोल्डन कलर होने तक। फिर हम आलू डाल देंगे। देन आलू को थोड़ा पकने देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच फिर से मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नमक, फिर हम टमाटर को ऐड कर देंगे। देन टमाटर को थोड़ा पकने देंगे। फिर हम चावल डाल देते हैं। फिर हम इसमें चार ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। अब हम धनिया डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर को ढक देते हैं चार सीटी आने तक। गैस को हमने फुल कर दिया है। अब हमारी सीटी लग चुकी है। अब आप देख सकते हो कितने प्यारा दिख रहा है चावल। देखो कितना प्यारा लुक आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर प्लीज़।